खाली हमने खाली मतलब उस पल को भी हमने इंजॉय किया सर अंदर सभी ने मिलके, ज़्यादा टाइम सो के निकाला, ज़्यादा ज़्यादा टाइम सो के निकालते थे सब, बैठ के बातचीत करते थे जितने भी हम भाई थे, बस ऐसे निकाला टाइम सर। सो पहले 24 सीएम है जयराम ठाकुर जी, उन्होंने मेरे को कॉल की थी जब मैं हॉस्पिटल में था सर, उनकी उनसे बातचीत हुई है, हमारे विधायक सर से भी बातचीत हुई है अभी, और सर अभी और सर और भी हुई है, दो सर उनका नाम तो नहीं जानता पर जी मतलब बातचीत हुई अपने भाई से, मैंने उनसे यही बात की कि मेरा घर में पता चल गया है कि नहीं चला, क्योंकि सर हमको नहीं था पता कि इतना टाइम लगेगा, 17 दिन लगेंगे या 18 दिन लगेंगे, हमको नहीं था पता इतना टाइम लग सकता है, हमने ही सोचा था 5 दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पर सर फिर भी जो हमारे जो पीएम सर सर हैं, पुष्कर सिंह धामी सर हैं, सीएम सर हैं, उत्तराखंड सरकार ने सर पूरा सहयोग किया, और हमारी कंपनी के वर्कर भी सर पूरे रात दिन लगे रहे, और एसडीआरएफ एनडीआरएफ बहुत सी टीमें लगी थी सर उधर हमारे जो हमसे, और डॉक्टर की टीम बहुत टीमें थी सर जो हमसे बातचीत कर रही थी डेली, जब हमारा कम्युनिकेशन हुआ चालू हुआ तो हमसे हमें हर प्रकार की सुविधा देने की कोशिश कर रहे थे अंदर, पर सर जो हवा की पाइप थी उससे खाली हल्की चीज़ें अंदर आ रही थी, क्योंकि वो हमारा ऑक्सीजन का एकमात्र जरिया था, अगर उसमें कुछ भारी चीज़ फंस जाती तो हमारे ऑक्सीजन में दिक्कत आ जाती। हिमाचल के मतलब मेरा जैसे मैं मशीन 5 बजे में मशीन चलाने गया मशीन फेस पे, जैसे 5 बजे मैंने मशीन फेस पे लगाई जब तक हमको बोला कि छुट्टी हो गई, लेबर वालों से मेरी बात हुई थी अभी छुट्टी हो गई, हम बैठ के हाइड्रा था ना सर, हाइड्रा में बैठ के हम पीछे आ गए, पीछे जब हमने देखा तो पूरा लूज गिरा हुआ था, रास्ता बंद था, फिर हमको जब पीछे आए तब जाके मेरे को पता चला भी हमारा जाने का रास्ता बंद हो गया है, लूज गिर गया है, पर हमको इतना नहीं पता था कितना गिरा है, कितने मीटर तक गिरा है, ना हमारी कोई बातचीत हो रही थी, हमने सबसे पहले जो हमारी पाइपलाइन होती है पानी की बाहर निकालने की ऑक्सीजन के लिए, हमने सबसे पहले पाइपलाइन खोली, उसमें हमें ऑक्सीजन तो नहीं मिली 24 घंटे तक, फिर हमने अपना सोने का बंदोबस्त, क्योंकि सर पूरी नाइट ड्यूटी, पूरी रात नाइट ड्यूटी की थी, भूख भी लग रही थी और नींद भी लग रही थी, फिर सर हम अब बाहर से तो कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने जो हमसे हो पाया अंदर से वो हमने पहले कर लिया, पाइपलाइन पाइपलाइन सब कुछ खोल लिया, फिर सर हम आगे गए जो हमारी गैंड्री हो रही थी उस टनल में उधर हमारे पास वाटर प्रूफिंग और जियो टेक्सटाइल थी सोने के लिए और बिछाने के लिए, हम वो लेके आए, हमने बिछाए, फिर हम उस पर बैठे, बस वो टाइम सर हमारे लिए थोड़ा कठिन था, क्योंकि मन में बहुत ख्याल आ रहे थे कि बाहर से कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, हम बाहर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, उस टाइम सर बहुत ज्यादा ख्याल मन में आए, बस सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।